नमस्कार, मैं प्रशांत झा आजाद सिपाही यूट्यूब के आज का अखबार हमारे साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। झारखंड के प्रमुख अखबार आजाद सिपाही, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, झारखंड जागरण समेत अन्य अखबारों में पटना में मोदी की सभा में बॉम्ब ब्लास्ट को लीड खबर बनाया गया है। आपका अपना अखबार आजाद सिपाही ने लिखा है, मोदी की रैली में धमाका करने वाले चार आतंकियों को सजाए मौत। हिंदुस्तान ने लिखा है, पटना ब्लास्ट में रांची के चार आतंकी को सजाए मौत। प्रभात खबर ने लिखा है, रांची के चार आतंकी इम्तियाज, हैदर नुमान और मोहम्मद हिजबुल्लाह को फांसी की सजा। इसी तरह से अलग अलग हेडिंग से सभी अखबारों ने इसे लीड बनाया है। इसके अलावा नीट की परीक्षा का परिणाम घोषित, जेपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया, पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर नहीं होंगे, पंचायत समिति दुकानों का किराया बढ़ेगा आदि कुछ खबरों को जगह दी गई है। आइए आज पंचायत चुनाव की बात करते हैं। राज्य में पंचायत चुनाव की डुडुगी बज चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, वोट ईवीएम से नहीं डाले जाएंगे, बैलेट पेपर से डाले जाएंगे। मुखिया पद के लिए 4,345 पद हैं, जिला परिषद सदस्य के लिए 536, पंचायत समिति सदस्यों के लिए 53,479 पदों पर चुनाव होंगे। इसके लिए 53,479 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है और मतदाताओं को चार चार बैलेट पेपर दिए जाएंगे जिन पर अपनी पसंद के प्रत्याशी को वो चुनेंगे और उनके लिए मोहर लगाएंगे। तो यह तो तैयारी चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि दीपावली छठ के बाद तिथि की घोषणा की जाएगी और दिसंबर से पहले चुनाव होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक अवश्य करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी। आज़ाद सिपाही परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।